मणिनगर मंदिर से नीलकंठ वर्णी यात्रा लेके निकले हैं। 630 यात्रिक है, हरिभक्त है, स्वामी जी हमारे मेन स्वामी जी भी हमारे साथ है, करीबन 70 से 80 हरि स्वामी जी भी हमारे साथ है और बाकी सब हरिभक्त है। और पूरी यात्रा हमारी 13 दिन की है, बहुत आनंद है, सब हैप्पी है। नेपाल रियल में वेरी ब्यूटीफुल है और वेरी नेचुरल है, बहुत यहाँ के पीपल भी बहुत अच्छे हैं। टूरिज्म की वजह से भी हम देख सकते हैं तो टूरिज्म के लिए भी बहुत बढ़िया है। हम मुक्तिनाथ जाने वाले हैं, वो भी बहुत नेचुरल है, भगवान ने जहाँ नीलकंठ वर्णी ने तप किया है वहाँ हम जाने वाले हैं, तो हम बहुत उत्सुक है कि वहाँ जाएंगे। हम इतने सारे भक्त तो भगवान भी वहाँ, हमें आशा है कि वहाँ भगवान भी उस दिन पधारेंगे। यस, वो इतना सारा बहुत बड़ा हमारे पास 45 बसेस छोटी टेम्पो से लेकर लग्जरी, दूसरी भी 5-7 बसेस है, टोटल 52 बसेस और टेम्पो ट्रैवल व्हीकल हमारे साथ है। फिर भी भगवान की असीम कृपा से वेरी हैप्पी से हमारी यात्रा चल रही है, लोग भी सब खुश है, हैप्पी है। वहाँ की मीडिया को भी आप हम वहाँ से भी प्रमोट कर सकते हैं कि भाई नेपाल रियल में बहुत अच्छी कंट्री है और टूरिज्म की तरफ से भी बहुत बढ़िया है। सब साथ में से 650 फैमिलीज आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम भगवान की यात्रा में आए हैं, बहुत अच्छा लगा है हमको। भगवान जहाँ जहाँ भगवान ने कहा क्रिया किया है, हम वहाँ जाने वाले हैं साथ साथ में। नेपाल के जिन बसा है किसे लगे? हम आए थे गोरखपुर से हमने बस की है छोटी छोटी, और हम यहाँ पे 45 बसेस है छोटी और अब 7 बड़ी बस है, हम यहाँ लेके आए हैं। नेपाल अब कितना दिन रहे? हम नेपाल में रहेंगे तकरीबन 10 डेज 13 डेज की टोटल यात्रा है। हाँ, अच्छा है नेपाल, अच्छा कंट्री, हम पहली बार यहाँ पे विजिट किया मैंने, अच्छा क्लीन है नेपाल के लिए, हमको अच्छा लगा नेपाल, फ्यूचर में आएंगे हम यहाँ पे। धार्मिक पर्यटक बढ़ाने पर्च हमें टूरिज्म सेक्टर को मानी सदैं लगी रखा छो रो अज हमी बढ़ाने तर्खर में अज छ्य को अलग ये उत्तरदायी भूमिका आँच नहीं, अब हामी निजी क्षेत्रले पनि एकदमै लागिराखेका छौँ र यो पर्यटक धार्मिक पर्यटक बढाउँदाखेरि हामीलाई यहाँ मात्र होइन इवन मनकामना पोखरा अनि मुक्तिनाथ त्यहाँका होटलहरूलाई पनि धेरै राम्रो आम्दानीको बाटो हुनेछ। उहाँहरू चाहिँ इन्डियाको मात्र होइन इन्डियाबाट विभिन्न देशमा गएर बस्नुभएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नेपालको धार्मिक रूपमा नेपाललाई चिनाउने काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले अब यो आगामी दिनमा पनि यो धार्मिक पर्यटकहरू यहाँ बढ्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ र यसमा हाम्रो राज्यको पनि विशेष चासो हुनुपर्छ र राज्यले पनि दिनुपर्ने बाटाघाटाहरू। अहिले हेर्नुहोस् बाटोको असुविधा छ, त्यसले गर्दाखेरि यो बाटोहरूलाई पनि अलिकति व्यवस्थित गर्नुपऱ्यो अनि आउने टुरिस्टहरूलाई पनि अब व्यवस्थित रूपमा उहाँहरूलाई पनि के भन्नु व्यवस्थापन गर्नुपऱ्यो, त्यो राज्यको पनि दायित्व हो र हामी निजी क्षेत्रको पनि दायित्व हो र यो टुरिज्म सेक्टरलाई हामीले जतिसक्दो बढुवा दिनुपर्छ र यो लाँदै आगामी दिनमा पनि हामी आज बढुवा दिँदै जानेछौँ। अब यो हामी टुरिस्ट अहिले त हेर्नुहोस् हाम्रा धेरै होटलहरू अब बनिरहेका छन् र अरू नयाँ होटलहरू पनि आउने क्रममा छन् र अब यो आगामी दिनमा हामीले टुरिस्टहरू बढाउनै पर्छ र टुरिस्टहरू बढ्यो भने हाम्रो अहिलेको इन्फ्रास्ट्रक्चरले हाम्रो भ्याउँदैन, किनभने हेर्नुहोस् कम्बोडियामा हेर्नुहोस् भने कम्बोडियाले त्यत्रो पर्यटकहरूलाई धेरै व्यवस्था गरेर उनीहरूले के गर्छ त पर्यटनमा निकै राम्रो आम्दानी गरेछ राज्यले, तर हाम्रो यो पर्यटकबाट हामीले जुन राज्यले गर्नुपर्ने आम्दानी निकै कम छ र यसलाई अझ माथि लानुपर्ने छ।